दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, इसी को लेकर कांग्रेस नेता रामनारायण झा की अध्यक्षता में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के बुद्धिजीवियों की एक बैठक रविवार को जीएम रोड अवस्थित एक विवाह भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। एमएलए या 20 को एमएलए दरभंगा मधुबनी के छह इनका पद अपन सवाल के वो असेंबली में उठाथु और हुनकर जखन दबाव हुनका पर है असेंबली में उठे थीं विभिन्न दल के लोग छथिन और अगर बिहार विधान मंडल पास करते विधानसभा ने बिहार विधान मंडल पास करते दोनों सदन तकर बाद जाकर तो से प्रस्ताव है तो हमरा सबके विधायक पद रामनाथ बाबू उदय बाबू राजीव बाबू राम मनोहर बाबू सबके गुजारिश हुनका से एकटा एक व्यापक कमिटी और बना लियो सब दल के जोड़ू और सब विधायक पर डटके दबाव बनेनाई शुरू करू जे अहाँ के एक उठबियो विधानसभा में अब तखने जाकर अपन मिथिला में एक लिखा पुलिस महानिरीक्षक मिथिला के मिथिला खंड फिर दरभंगा में बड़ी रेल लाइन मिला, एम्स की स्थापना हो रही है, दरभंगा से हवाई सेवा भी शुरू हुआ, दरभंगा में उच्च न्यायालय का बेंच हो, कई वर्षों से मांग उठ रहा है, धरातल पर अभी तक नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि जिस तरह से संघर्ष बड़ी रेल लाइन और अन्य मांगों के लिए दरभंगा के वासियों ने किया, वो संघर्ष अभी तक हम लोगों ने इसके लिए नहीं किया है। मांगे उठ रही हैं, हमने प्रयास किया है, बैठकें की हैं, लेकिन जो सड़क पर उतरने की बात होनी चाहिए, जो दबाव बनाना चाहिए सरकार पर, वो दबाव बनाने में असफल रहे हैं। इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, कमेटी बना करके हम लोग उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह हमने बड़ी रेल लाइन, मिथिला विश्वविद्यालय या आकाशवाणी के लिए लड़ा था, हवाई अड्डा के लिए लड़ा था, उसी तरह हम इसके लिए लड़ेंगे और इसको भी जीतेंगे, पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो स्थिति है, कहा जाता है किसी भी बड़े काम में राजनीति पहल जरूरी होती है, क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं यहाँ से, क्या वो पहल कर रहे हैं इस समस्या को लेके? हम यदि दबाव बनाएंगे, दरभंगा के वासी, मिथिलांचल के वासी यदि दबाव बनाएंगे तो उनकी बाध्यता होगी कि इच्छा के विपरीत ही उनको हमारी मांगे माननी होगी और उनके लिए पहल करना होगी, वो हमारे दबाव के चलते होगा, जनता के दबाव के चलते। इसके लिए आप लोगों का क्या रणनीति होगा आगे? आगे हमारी रणनीति है जो आगे हम यदि हम वो मांग की मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क पर जाएंगे, हम जो है सो जुलूस धरना प्रदर्शन दरभंगा बंद मिथिलांचल बंद का आह्वान करेंगे और संपूर्ण मिथिलांचल वासियों के सहयोग से उसको सफल बना करके अपनी मांग मनवाएं। एनएच शुरू होने से करीब करीब 25 से 30 जिला दरभंगा से जुड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे जो एनएच के बनने के बाद तो और दरभंगा को उपराजधानी बिहार का होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो समूचा भूभाग है जो बाढ़ से डूबा रहता है, जिसके यहाँ साल में 3 महीना आने जाने की व्यवस्था नहीं रहती है, पटना जाना उनके लिए दूभर हो जाता है, जिसके चलते वो न्याय नहीं ले पाते हैं, नहीं उन्हें मिल पाता है, तो वो उनके लिए भी एनएच के बाद और अधिक आवश्यक हो गया है कि दरभंगा में मिथिला बेंच हाई कोर्ट की स्थापना हो, दरभंगा को बिहार की उपराजधानी बनाई जाए, जो वो गरीब जो बाढ़ में डूबे हुए लोग हैं वो भी अब न्याय पा सके। नाम बताया जाए? राजीव रंजन ठाकुर, अधिवक्ता। की बेंच की स्थापना हो, क्या कहेंगे आप? आज वही के लेल ऐसे पूर्व 3 तारीख के हम सब बैसल रही, उपस्थिति कम रहे, ओ दिन विचार भेलै जे कम से कम पुरान दरभंगा जिला में जे 3 जिला बनल, दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी, हुनकर सामाजिक राजनीतिक और अधिवक्ता प्रतिनिधि के बजायल जाए,
और विस्तार आई अही द्वारे हम सब बैसलों एक रूपरेखा बनाबी। दू साल पूर्व हम सब दसवीं ठाम गेल रहिए के लगभग 14-13 बार एसोसिएशन से हम सब भेंट कलों जे दरभंगा में एक उच्च न्यायालय के मिथिला खंडपीठ बने एक और दरभंगा के उपराजधानी के दर्जा देल जाए ई दूटा मांग लऽ कऽ आई बैसार हम सब कह रहल छी। आई जे निर्णय हेतै तदनुकूल हम सब आंदोलन के रूपरेखा संपर्कक रूपरेखा सरकार से भेंट करो के भारत सरकार से भेंट करो के इस सब रूपरेखा आई हम सब तय करो क्या एक ठाम।